स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस हैं बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर ऑप्टिक्स के। तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो क्या है आपकी, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स, ड्राइव द फॉर्मूला ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है, तो आपके आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी ड्राइव करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज ए जोन प्लेट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स फोकल लेंथ एंड कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे आपको पहले जोन प्लेट एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद जो आपका कन्वर्जिंग लेंस और जोन प्लेट दोनों को कंपेयर करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका हाउ कैन वी फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर या न्यूटन रिंग दोनों में से आपका एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब एनालिटिकली द फिनोमिना ऑफ फ्रेजनल्स डिफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर एपरेचर। सर्कुलर एपरेचर से जो आपका फ्रेजनल डिफ्रैक्शन स्क्रीन पे आपको मिलता है वो एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम डिस्कस द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट रिंग्स इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिंग इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है और उसकी कंडीशन निकालनी है डार्क और ब्राइट रिंग्स की डायमीटर की टर्म्स में। पहले यहाँ पे आप रेडियस की टर्म्स में निकाल दोगे, उसके बाद आप टू टाइम्स कर दोगे तो वो डायमीटर की टर्म्स में आपकी कंडीशन आ जाएंगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द टर्म फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन इन रिलेशन टू प्लेन वेव एंड ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एट ए पॉइंट ड्यू टू दीज जोन्स। तो यहाँ पे आपको फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन एक्सप्लेन करना है और उसका एक्सप्रेशन निकालना है स्क्रीन के ऊपर, किसी पी पॉइंट के ऊपर उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये एक्सप्रेशन निकालना है आपको। सेवन्थ आपका है डिस्कस द इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड इन वेव शेप फिल्म एंड फाइंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था वहाँ पे आपके पास थिन फिल्म थी और वहाँ पे जो फिल्म की थिकनेस थी वो थ्रो आउट सेम थी। वेव शेप फिल्म में क्या होता है, थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन फाइंड आउट करनी है और इसका एक्सप्रेशन करना है। तो अब है यूनिट सेकंड जिसका नाम है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं और जो मेजर डिफरेंस इनके बीच में होता है वो ये होता है, फ्रेजनल के अंदर जो आपके सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होती है और फ्रॉनहोफर में जो ये डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस एनालिटिकली द डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स। एन स्लिट्स के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन कर ड्राइव करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्कस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। अगर आपके पास दो स्लिट हैं, स्लिट विड्थ ए है, तो वहाँ पे आपका डिफ्रैक्शन फिनोमिना फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फिनोमिना वहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है और मैक्सिमा मिनिमा की पोजिशन बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, फाइंड द कंडीशन ऑफ एब्सेंट स्पेक्ट्रा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड गिव इट्स एक्सप्रेशन। आपको डिफाइन करनी है पहले ग्रेट डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होती है और उसके बाद इसका सूटेबल एक्सप्रेशन करना है। सिक्स्थ है आपका एक्सप्लेन रेले क्राइटेरिया। रेले क्राइटेरिया क्या होता है और रिले के अकॉर्डिंग हम कब किन्हीं भी दो नियर बाई इमेजेज हैं उनको कब रिजोल्ट कह सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। सेवन है आपका
डिफाइन रिजोल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट। यहाँ पे प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की रिजोल्विंग पावर को डिफाइन करना है और उसके लिए सूटेबल आपको एक्सप्रेशन करना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है आपकी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन की जो हाइजेंस थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर क्वार्टर एंड हाफ वेव प्लेट्स, व्हाट आर देयर यूजेज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका रिपीट होता है कि क्वार्टर और हाफ वेव प्लेट क्या होती हैं और इनकी थिकनेस कितनी होती है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है और इनके यूज कहाँ पे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी, सो हाउ फ्रेजनल थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। यहाँ पे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना बताना है और फ्रेजनल थ्योरी डिस्कस करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब ए बाईक्वार्ड्स पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर दो टाइप के यहाँ मोस्टली यूज होते हैं, एक तो लोरेंट्स हाफ सेड पोलैरिमीटर, एक बाईक्वार्ड्स पोलैरिमीटर। तो यहाँ पे आपको बाईक्वार्ड्स पोलैरिमीटर एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका हाउ विल यू प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट द सर्कुलरली पोलराइज लाइट। आप सर्कुलरली पोलराइज लाइट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, ये आपको बताना है। सिक्स्थ व्हाट आर डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या होता है, ई रे ओ रे क्या होती हैं, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है पेपर में। तो इस यहाँ पे आपको निकोल प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन बतानी है, उसकी वर्किंग बतानी है। सेवन्थ क्वेश्चन है आपको शॉर्ट नोट लिखना है, सबसे पहले लॉ ऑफ मेलस के ऊपर और लूरेंट हाफ सेड पोलैरिमीटर के ऊपर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझना